सभी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों का अपने ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल की आज दोपहर 12 बजे की सच्ची खबरों में स्वागत है। आपको बता दें, अगर आपका मानदेय भी लंबे समय से लंबित चल रहा है तो आप बहनें इस लंबित मानदेय एरियर के संबंध में प्रारूप भर करके अपने अधिकारियों को दे सकती हैं, जिसके बाद आपका मानदेय का भुगतान हो पाएगा। तो ऐसे में प्रारूप दो तरह के हैं, साथ ही एक प्रमाण पत्र है। और आइए देखते हैं ये कहां से है और इसमें क्या क्या जानकारियां भरी हुई हैं। तो सबसे पहले बता दें, ये उत्तर प्रदेश की आंगनबाड़ी बहनों आप सबके काम का है और आजमगढ़ जिले के डीपीओ ने ये जारी किया है। और ऐसे में यहां पर लिखा गया है कि इतयो आपका जो है, आपको निर्देशित किया जाता है कि जो है निदेशालय से प्राप्त विभागीय आदेशानुसार व्हाट्सएप ग्रुप पर प्रेषित सूची के क्रमांक के अनुसार पीएफएमएस पोर्टल पर तत्काल जन्मतिथि फीड कराते हुए जो है इस आशय का विवरण उपलब्ध कराएं कि मेरी परियोजना में प्राप्त सूची के आधार पर फीड करके दिया गया है, तदुपरांत प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करें। तो देखिएगा, काफ़ी परियोजनाओं में बहनों के पैसे जो लंबित पड़े हैं उसी संबंध में विभागीय जो अधिकारी हैं उनसे ये प्रारूप भरवाया जा रहा है। ये आंगनबाड़ी बहनों आपको नहीं भरना है, आपके जिले के अधिकारी भरेंगे, उन्हीं को भर करके देना है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ती, आंगनबाड़ी सहायिका, इनका लंबित मानदेय एरियर के संबंध में विवरण प्रारूप एक, जिसमें क्रम संख्या का कालम, नाम का कालम, पद नाम का कालम और केंद्र के नाम का, बैंक के नाम का, खाता संख्या, आईएफएससी कोड और आधार नंबर और लंबित अवशेष मानदेय माह कितने माह का जो है लंबित है और टोटल धनराशि कितनी, यानी कितने माहों की कितनी हो गई वो धनराशि लंबित है। तो इस तरह से भर के पूरा ये जाएगा, प्रारूप नंबर एक। और दूसरा प्रारूप है आंगनबाड़ी कार्यकर्ती और सहायिका का मानदेय पीएफएमएस पोर्टल पर प्राप्त ना होने के संबंध में विवरण। तो जिन भी बहनों का पीएफएमएस पोर्टल पर मानदेय प्राप्त विवरण नहीं हो रहा है उनका विवरण वहां पर भरा जाएगा। क्रम संख्या का कालम, नाम का, पदनाम का, केंद्र के नाम का, बैंक के नाम का और खाता संख्या, साथ ही आईएफएससी कोड, साथ ही आधार नंबर और मानदेय प्राप्त ना होने की अवधि, यानी कब से मानदेय प्राप्त नहीं हो रहा। इस तरह से भर करके दो प्रारूप जाएंगे, जिसमें नीचे लिखा गया है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ती और सहायिका जिनका मानदेय पीएफएमएस पोर्टल द्वारा खाते में अंतरण नहीं हो रहा है, उक्त विवरण के साथ में संबंधित कार्यकर्ती सहायिका का बैंक पासबुक और आधार नंबर, साथ ही शैक्षणिक योग्यता जिसमें जन्म तिथि अंकित हो, प्रमाणित उसकी छाया प्रति निम्न प्रमाण पत्र के साथ में लगेगी। अब प्रमाणित छाया प्रति का मतलब यह है वो फोटोकॉपियां और उन पर आपके हस्ताक्षर, आप अपने साइन कर देंगी तो समझ लीजिएगा वो प्रमाणित हो गया। आगे लिखा है प्रमाण पत्र के बारे में, आइए देखते हैं प्रमाण पत्र के बारे में क्या है। तो प्रमाण पत्र में बोला जा रहा है कि प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती जो भी हो वो आपका, यानी किसी का जन जो भी कार्यकर्ता होंगी उनका नाम भरा जाएगा, पिता या पति जो उनके रिलेटिव होंगे उनका नाम भरा जाएगा और पदनाम भरा जाएगा कि कार्यकर्ती है, कि सहायिका है, कि मिनी है, इस तरह से। फिर आंगनबाड़ी केंद्र, तो केंद्र का नाम भरा जाएगा। फिर परियोजना, तो परियोजना का नाम भरा जाएगा। फिर जनपद, तो यहाँ पर आपके जिले का नाम भरा जाएगा। फिर पूर्व में अंकित जन्मतिथि, तो जो आपकी जन्मतिथि थी वो भरी जाएगी, जिसका आधार कार्ड एवं शैक्षिक अभिलेख में अंकित जन्मतिथि जो होगी वो भरी जाएगी। भली भांति परीक्षण यानी मिलान मेरे द्वारा कर लिया गया है जो कि सही पाया गया है, अतः पोर्टल पर श्रीमती जो होंगी, जिनका नाम होगा कार्यकर्ती का, वो उनकी जन्मतिथि यहाँ पर भरी जाएगी। संशोधन किए जाने की संतुति की जाती है। काफी बहनों की जन्मतिथियां गड़बड़ हैं जिस वजह से पीएफएमएस से उनका मानदेय का भुगतान लंबित है। ऐसे केसेस में यहाँ पर ये काम आएगा और ऐसे भर करके दिया जाएगा। तो पहले जन्मतिथि जो पहले की होगी वो भर दी जाएगी, बाद में जो आपके अभिलेख लगेंगे आधार कार्ड या शैक्षणिक योग्यता वाले में अभिलेख, तो उनमें मिलान करके फिर जो जन्मतिथि सही होगी वो भरी जाएगी। फिर उनका अपना पूरा मिलान कर लिया जाएगा, सब सही सही होगा और फिर आगे इसको भेजा जाएगा प्रमाणित करके। आगे देखो लिखा है एक साइड में सीडीपीओ यानी बाल विकास परियोजना अधिकारी के हस्ताक्षर होंगे
और वहीं दूसरी तरफ जिला कार्यक्रम अधिकारी यानी डीपीओ के हस्ताक्षर होंगे। और नीचे देखिएगा एक और यहां पर जानकारी इसी में भर करके जाएगी, जो कि है आंगनबाड़ी कार्यकर्ती और सहायिका जिनका मानदेय पीएफएमएस पोर्टल पर मृत्यु या त्याग पत्र या 62 वर्ष पूर्ण करने के उपरांत प्राप्त हो रहा है उनका विवरण। तो जो बहनें ऐसी हैं जिनकी अगर मान लो डेथ हो गई है और किसी कारण पैसा उनका खातों में जा रहा है उनका भर करके दिया जाएगा, या 62 साल की हो गई हैं फिर भी मानदेय प्राप्त कर रही हैं तो उनका भर करके दिया जाएगा, और जैसे कि अगर जो पीएफएमएस पोर्टल पर उनका डेथ जो है दर्शाया गया है तो वो सिचुएशन है, त्याग पत्र जैसे बहुत लोग अपना इस्तीफा दे देते हैं, त्याग पत्र दे देते हैं, नौकरी यानी छोड़ देते हैं, तो उनका भी अगर आ रहा है तो उनका भी यहां पर इस तरह से भर करके ये जाएगा। क्रम संख्या का कालम नाम का, पदनाम का, केंद्र के नाम का, बैंक के नाम का, खाता संख्या, आईएफएससी कोड और आधार नंबर, ये इस तरह से भर करके पूरा जाएगा। उम्मीद है आप लोगों ने ध्यानपूर्वक इसको सुना है। इस जानकारी को अनीता बहन है आजमगढ़ से आती हैं, जिन्होंने ऑल इंडिया को भेजा है, हो सकता है किसी बहन के काम आ जाए, लेकिन ध्यान देना ये एक ही जिले का है, हो सकता है अन्य जिलों में अभी अधिकारी इस बारे में जागरूक ना हो और भरकर के जानकारी ना ले रहे हों, या हो सकता है पहले ही वो ले चुके हों, काम हो गया होगा, तो दोनों संभावनाएं हैं। इसीलिए इस प्रारूप को लेकर के आपको परेशान नहीं होना है, अपने विभाग में खुद ही आपको विभाग बताएगा और इसको भर करके देगा, और जब भर करके देगा तो जानकारी मांगी जाएगी। और आपने देखा होगा बहुत महीने पहले काफी जिलों में ये सब पहले ही लिया जा चुका है, आंगनबाड़ी और सहायिका से उनका जो है शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण पत्र, पासबुक की जो है फोटो कॉपी, ऐसे सब चीजें ली जा चुकी हैं। इस वजह से आपको ध्यान रखना है, जल्दबाजी नहीं करनी है कि हाँ आ गया है प्रारूप तो हम भी भर करके जमा कर दे, ऐसा नहीं है, काफी जगह पहले ही भर करके जा चुका है। अब देखो 1,45,00,000 में 5 सीडीपीओ कार्यालय बनेंगे। बिजनौर जिले का ये मामला है, नागेंद्र मिश्रा जिला कार्यक्रम अधिकारी हैं बिजनौर के, उन्होंने कहा है कि जिले में 2 सीडीपीओ कार्यालय हैं, अब नहटौर, नूरपुर, जलीलपुर, झालू और हल्दौर, इनमें भी सीडीपीओ कार्यालय बनेगा। निर्माण कार्य शुरू हो गया है, एक कार्यालय के निर्माण पर 29,00,000 रुपया खर्च होंगे। तो एक सीडीपीओ कार्यालय बनाने में 29,00,000 रुपया खर्च होगा, 1,45,00,000 रुपए से 5 सीडीपीओ कार्यालय बनाए जाएंगे। जिले में जल्द ही 5 सीडीपीओ कार्यालय आपको बिजनौर में मिल जाएंगे। तो विभागीय अधिकारियों के मुताबिक जल्द ही निर्माण कार्य भी शुरू होगा, एक सीडीपीओ कार्यालय के लिए निर्माण पर 29,00,000 रुपया खर्च होगा। जिले में सीडीपीओ के 13 पद हैं और 6 पदों पर तैनाती है। जिले में धामपुर और अफजलगढ़ में सीडीपीओ कार्यालय हैं, अब शासन के निर्देश पर जिले में 5 सीडीपीओ कार्यालय का निर्माण होगा। लखनऊ से सीधे पैसा संस्था के खाते में जाएगा। बता दें कि जिले में अब नहटौर, नूरपुर, जलीलपुर, हल्दौर और झालू में सीडीपीओ कार्यालय का निर्माण किया जाएगा। अब आप सोचो आज के पहले क्या सिस्टम फिर रहा होगा कि सीडीपीओ कार्यालयों की ही कमियां थी, सीडीपीओ ज्यादा थे, कार्यालय नहीं थे। तो आप सोचिएगा कि हम लोग सोचते केवल आंगनबाड़ी सेंटर की ही कमियां हैं, यहां तो परियोजना कार्यालयों की भी कमियां हैं। अब आप सोचिएगा जब कंट्रोल करने वाले ऊपर अधिकारियों के पास भी अपनी जो है वहां पर कार्यालय नहीं है, ऐसे में सोचिएगा कितना पिछड़ा सिस्टम था। धीरे धीरे निर्माण हो रहे हैं, बदल रहा है, 5 कार्यालय अब बनाए जाएंगे तो ऐसे में अच्छी बात है, लेकिन जितनी जल्दी बन जाए वो और अच्छी बात है। साथ ही साथ आंगनबाड़ी सेंटरों पर भी फोकस किया जाए तो उससे भी और अच्छी बात है। अब देखिएगा यहां पर एक कार्यालय के निर्माण पर 29,00,000 रुपया खर्च होगा बताया जा रहा है। लखनऊ से संस्था UPPCL को सीधे पैसा जो है यहां पर गया है, सीडीपीओ कार्यालय का निर्माण शुरू हो गया है, कार्यालय बनने के सीडीपीओ का काम आसान होगा, ऐसी चीजें यहां पर निकाली गई है हिंदुस्तान में। आगे एक और जानकारी आई है, दैनिक भास्कर में प्रकाशित है, उत्कृष्ट कार्य करने वाली कार्यकर्तियों को किया जाएगा पुरस्कृत, और ये मनोज जी हैं सीतापुर से जिनका अपना स्टेटमेंट है। आप देख सकते हैं कि यहां पर भास्कर ब्यूरो में एक ये आर्टिकल प्रकाशित किया गया है। तो ऐसे में देखिएगा जो चीजें हैं वो तो अच्छा कार्य करने में पुरस्कृत बहने की जाएंगी, बहुत बार सुनने में मिला है,
लेकिन मात्र पुरस्कृत कर देने से, कागज के टुकड़े पकड़ा देने से सम्मान वापस नहीं मिलता। अगर यूपी सरकार कुछ देना ही चाहती है सम्मान स्वरूप, तो मध्य प्रदेश की सरकार की तरह सम्मानजनक मानदेय दे, जिसका सरकार ने वादा भी किया था लेकिन वादा झूठा निकला। मध्य प्रदेश सरकार ने 10,000 से बढ़ा करके अब 13,000 रुपया कर दिया है, साथ ही प्लस 1,000 रुपया अलग से मिलेगा लाडली बहना योजना का भी बोनस, तो 14,000 रुपया आंगनबाड़ी बहने एमपी की पाएंगी और उत्तर प्रदेश की बहने 4,500 प्लस 1,500 इतना मानदेय स्वरूप, अतिरिक्त मानदेय स्वरूप पाएंगी, और 1,500 में किसी को मिलेगा किसी को नहीं मिलेगा वो पीएलआई पाएंगी। ये सिस्टम है यूपी का। अब वहीं एमपी में एकमुश्त पैसा 13,000 रुपया पाएंगी प्लस 1,000 रुपया अलग पाएंगी, तो इतना पैसा पाएंगी। अब आप सोच सकते हैं, गवर्नमेंट ऑफ यूपी ने ट्वीट किया कि अब साल भर खुला रहेगा छात्रवृत्ति पोर्टल सबके लिए। उत्तर प्रदेश सरकार जो है यहां पर खजाने खोल रही है लेकिन आंगनबाड़ी बहनों को अनदेखा कर रही है। आप देख सकते हैं ये सिस्टम अच्छा है, ऑल इंडिया इसकी सराहना करता है सरकार की कि अब साल भर खुला रहेगा छात्रवृत्ति पोर्टल। काफी बार क्या होता था, जब एडमिशन होते थे बहुत सारे बच्चे जो है रह जाते थे अपना छात्रवृत्ति वाला ऑनलाइन करने के चक्कर में फॉर्म को। अब बराबर खुला रहेगा तो कभी भी वो अपना वो फॉर्म ऑनलाइन कर पाएंगे, तो अब कोई लिमिट वगैरह नहीं रहेगी कि जो यहाँ पर इतने समय के लिए ही साइट खुलेगी, साइट कभी बंद हो गई, बहुत बच्चे परेशान होते हैं, ऐसी दिक्कतें शायद देखने को ना मिले। तो इसीलिए बोला गया है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और सामान्य वर्ग, इनके गरीब और जरूरतमंद छात्र छात्राओं के लिए समाज कल्याण विभाग की ओर से संचालित छात्रवृत्ति योजना में कई बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। योजना की नियमावली संशोधित की गई है। संशोधन को मुख्यमंत्री की स्वीकृति मिलते ही संशोधित छात्रवृत्ति योजना इसी शैक्षणिक सत्र से लागू कर दी जाएगी। तो इसी बीच काफी चीजें सामने आ रही हैं कि यहां पर अभी तक एक सीमित समय के लिए खोला जाता रहा है लेकिन अब ये हमेशा के लिए खुलेगा। अब देखो जब ये हो जाएगा तो फिर देखा जाएगा। अभी इस आर्टिकल को पीछे छोड़ते हैं और इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अगले वीडियो में शाम की खबरों में आप